are our new gender, physical features of India. यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. भारत जो है वो अलग अलग फीचर्स भौगोलिक अवस्थाओं में बटा हुआ है. ठीक है, ये जो आपके फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं इनकी ओकरेंस का, ये जो आपके अलग अलग पार्ट यहाँ पर डिवाइड हुआ है इंडिया, इसके कुछ कारण है, कुछ आपके यहाँ पर एक्टिविटीज हुई है जिसके कारण क्या है ये आपकी चीजें क्रिएट हुई, जिसमें फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है, एक थ्योरी जो आपके जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर रीड किया, ठीक है, आपका रिसर्च किया, उसके बाद क्या है फाइंड आउट किया, जिसको क्या है इस थ्योरी को नाम दिया गया प्लेट टेक्टोनिक्स. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्मड आउट ऑफ सेवन मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ का पार्ट है, जो अपर पार्ट है, उसके जो क्रिएशन है, उसका जो निर्माण है, आपका क्या अलग अलग सेवन मेजर, सात जो आपकी बड़ी बड़ी मेजर जो प्लेट्स हैं उनसे हुआ है और कुछ आपकी माइनर प्लेट्स भी इसमें इंक्लूड है. नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स ऑफ लीडिंग टू फोल्डिंग फोल्डिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज. यहाँ पर आपकी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की जो बात हुई है, ये जो आपकी अलग अलग जो यहाँ पे आपकी जो सेवन मेजर और कुछ माइनर आपकी प्लेट्स आपकी दिखाई गई है, ठीक है, बताई गई है, वो क्यों हुई है, तो उसके लिए आपकी क्या यहाँ पे दिया गया कि फोल्डिंग एक्टिविटीज आपकी फ्लोटिंग एक्टिविटीज है और आपकी कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें क्या इंटरनल प्रेशर आपका हो सकता है अर्थ का, ठीक है, जिससे क्या है जो बाहरी क्रस्ट में जो आपकी जो सिचुएशन है वो क्या है चेंज हो जाती है. ठीक है, उसके बारे में जहाँ पे आपकी दिखाई गई ये अलग अलग प्लेट्स में आपकी क्या अलग अलग यहाँ पर क्या सिचुएशन दिखाई गई. ठीक है, ये एक आपकी, ये सेकेंड और ये आपकी थर्ड, जिसमें क्या आपकी देखो यहाँ पे अलग से आपका स्प्रेडिंग दिखाई देगी, कोई आपकी जो क्रस्ट की जो एक्टिविटी है वो क्या स्प्रेड हो जाती है, फैलने लग जाती है. नेक्स्ट वन इज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. जैसे प्रीवियस हम अपनी पिक्चर जो अभी अभी देखी थी उसमें क्या है थ्री पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था, तो यहाँ पे जो प्लेट्स की मूवमेंट थी, जो एक्टिविटी थी, जिससे कि आपके अभी आपने देखा कि अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स हैं उनकी क्रिएशन हुई है, तो उसमें क्या आपकी तीन यहाँ पे क्या है तीन तरीके की आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो फाइंड आउट की गई है. प्लेट्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी प्लेट दिखाई दे रही है, ये नेक्स्ट आपकी प्लेट दिखाई दे रही है और ये आपकी प्लेट दिखाई दे रही है, ये आपकी कौन सी है कन्वर्जेंट. ठीक है, जो आपके प्लेट्स यहाँ पे एक दूसरे प्लेट्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ आती है जो प्लेट्स, ठीक है, वो आपकी कौन सी होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है. द नेक्स्ट पॉइंट प्लेट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. जो प्लेट्स आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपकी क्या है सॉरी ये आपकी प्लेट जो दिखाई दे रही है जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो वो किस में आ जाएंगे आपकी डाइवर्जेंट प्लेट्स. नेक्स्ट है व्हेन टू प्लेट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर दे फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. दिस वन जब दो प्लेट्स आपकी हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पास से गुजरती है, ठीक है, तो वो आपकी कौन से हो जाते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव बीन चेंज्ड द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. इतने सारे आप अर्थ पे देखते हो जो इतनी सारी आपकी लैंड मासेस है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये जो डिफरेंट आपकी मूवमेंट्स है किसकी प्लेट्स की, जो अलग अलग यहाँ पे आपकी मूवमेंट्स है प्लेट्स की, ये चेंज कर देती है किसको पोजिशन और साइज, किसकी साइज को जो आपके अलग अलग कंटिनेंट्स दिए गए, ठीक है, जो लैंड मासेस है उनको तोड़ देती है या उनकी जो शेप है उसको बदल देती है. कौन सी वाली ये मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स. नेक्स्ट आपका स्टोरी ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया. यहाँ पर हम किसके बारे में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, तो हम किसके बारे में जो इंडिया की अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्रिएशन किस तरीके से हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका देखो पॉइंट दिया गया ओल्डेस्ट लैंडमार्क गोंडवाना है. जो आपकी अर्थ है ये दो पार्ट में आपकी डिवाइडेड बताई, ठीक है, जिसमें आपका क्या है दिस वन गोंडवाना लैंड सेकेंड वन इज अंगारा लैंड. ठीक है, तो इंडिया किसका पार्ट है आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, जो क्या आपका ओल्डेस्ट लैंडमार्क सबसे पुराना जो आपका लैंडमार्क है उसमें से एक काउंट किया जाता है आपका कौन सा है गोंडवाना लैंड.
ठीक है, और इंडिया इसका पार्ट है। गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स, अब गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आपके पार्ट आते हैं, ठीक है, वर्ल्ड का कौन कौन सा हिस्सा आपका गोंडवाना लैंड में है, आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये जो कंट्री अभी मैंने रीड की, ये क्या थी, सिंगल लैंड मास, मतलब ये आपस में क्या थी, ज्वाइंट थी, जुड़ी हुई थी, और इसको एक नाम दिया गया था, जो क्या नाम था आपका, गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। अभी आपने पीछे जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें देखा कि अलग अलग आपकी कन्वर्जेंट थी, आपकी डाइवर्जेंट थी, आपकी ट्रांसफॉर्म एक्टिविटीज थी, मूवमेंट जो हुए थे उससे क्या था। यहाँ पे आपका क्या है, ये चीज है जो आपने मालूम है, गोंडवाना लैंड की आपको बात करती, अर्थ क्या है आपकी, फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर, वो चीज क्या होगी, तैर रही है। इससे क्या होती है, जो चीजें हैं आपकी अलग अलग शेप में होती है, तो वो जो फ्लोटिंग है आपकी यहाँ पे क्या है, एक करंट पैदा करती है, जिसको क्या नाम दिया गया आपका, कन्वेंशनल करंट। और ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं एक लैंडमास को, ठीक है, बदल देते हैं नंबर ऑफ पीसेस, लीडिंग टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। किसकी बात हो रही है आपकी, गोंडवाना लैंड की बात हो रही है। और ये जो कन्वेंशनल करंट थे, इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है, उस लैंडमार्क को, किसमें, अपना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन मतलब यहाँ पे क्या, अब इंडिया के पार्ट की हमारी जो प्लेट है उसकी क्रिएशन होनी थी, उसकी बात हो रही है। द नॉर्थन ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन कोलिजन ऑफ द प्लेट्स विद द मच लार्जर इरोशियन प्लेट। यहाँ पे आपका नॉर्थन ड्रिफ्ट जो है, जो नॉर्थ की तरफ जो ड्रिफ्ट था, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उससे क्या हुआ, कोलिजन आ गया, दो चीजें मिल जा, ठीक है, कोलिजन ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स जो थी आपकी वो आपस में मिल जाती हैं, जिससे मच लार्जर इरोजन प्लेट का आपका क्या होता है, क्रिएशन होती है, निर्माण होता है। ड्यू टू दिस कोलिजन सेडिमेंटरी रॉक्स एक्युमुलेटेड इन द फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। ड्यू टू दिस कोलिजन सेडिमेंटरी रॉक्स, ये जो कोलिजन था आपका, ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे चीजें जो आपके लैंड मास थे वो आपस में जो मिल रहे थे, उससे क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स जो है वेस्टर्न एशिया की और हिमालय की, इनकी क्या ऑक्रेंस हुई, उनका क्या निर्माण हुआ, क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थन प्लेट्स। यहाँ पे आपके क्या है, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए, डिटेल में हम नॉर्थन प्लेट्स का नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसमें रीडआउट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। द हिमालयस अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब्सिस्टेंस ऑफ नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट। जो हिमालय है अपलिफ्ट आपका उभरा, किससे से उभरा, टेथिस सी, ठीक है, जैसे हम गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हैं, अंगारा लैंड की बात करें तो एक सी आपका होता था, एक समुद्र आपका होता था, जिसको क्या नाम दिया गया, टेथिस, और उसी में से उभर कर आपका क्या आया सामने, हिमालय निकल कर आया, ठीक है। एंड सब्सिस्टेंस ऑफ नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट। आपने इंडिया का मैप देखा, ठीक है, जिसमें आपका क्या, नेक्स्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपका पेनिनसुला, ठीक है, उसके नॉर्थ में आपका क्या है, हिमालय, ठीक है। ग्रेजुअली डिप्रेशन बोर्ड फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर, बाय द सेडिमेंट्स बाय द रिवर। यहाँ पे किसकी बात हुई, आपका वर्ड देखो, हिमालयस की बात हुई, आपकी पेनिनसुलर प्लेटो की बात हुई, और इसके बाद क्या हो रहा है, एक डिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेजुअली डिप्रेशन की बात हो रही है। तो देखो आपका हिमालय यहाँ पर आपका नॉर्थन साइड में दिखाया गया, पेनिनसुला आपका नीचे हो गया, ये जो बीच की आपकी जो स्पेस बच गई यहाँ पर उस डिपोजिशन की बात हो, ठीक है, ग्रेजुअली डिप्रेशन कोट फिल्ड। तो ये जो आपकी बीच की स्पेस थी, पेनिनसुला और हिमालय के बीच की जो स्पेस थी वो किससे, रिवर से, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई, और वो वहां पर उस बीच की जो जगह खाली थी उसमें क्या डिपोजिट की गई, और जिससे क्या है फ्लैट लैंड एलुवियल ऑफ डिपोजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थन प्लेट्स। और ये जो बीच की जगह थी ये सेडिमेंट से फिल हो गई, भर गई, और इससे आपका क्या बना, नॉर्थन प्लेट बना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखो किसकी बात हो, ये देखो ट्रांस हिमालय है आपका, मतलब ये जो आपका एरिया दिया गया ये बाढ़, ठीक है, ये आपका कवर है किससे, ये आपकी किसकी बात बता रहे, ये आपका हिमालय, ये आपका एरिया जो ग्रीन आप देख रहे हो ये क्या आपका नॉर्थन प्लेट्स, ये आपका नीचे का जो हिस्सा ये ट्राइंगल जो आपका बचा ये क्या है आपका पेनिनसुला, जो ये आपके टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया गया,
ये हिमालय आपका टैक्सिस में से अपलिफ्ट होकर हुआ, ये आपका डेकन प्लेटो दिखाया गया, और ये जो बीच का ये किसे रिवर के डिपोजिशन से, ये क्या आपकी यहाँ पे क्रिएशन है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आगे, आपका ये फर्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट भी आपका पार्ट अपलोड किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा यहाँ पर आपका किसकी बात, ये पार्ट किसका इंडियन डेजर्ट, ठीक है, नाम आपको बताओ थार डेजर्ट, ठीक है, ये आपके यहाँ पे पार्ट अलग से दिखाई है। तो ये जो चीजें अब तक हमने किसके हिमालय के बारे में, जहाँ पे आपने क्या टैक्सिस में से अपलिफ्टमेंट के बारे में पढ़ा, नॉर्थन प्लेन्स के बारे में पढ़ा, और ये जो एक वर्ड था पेनिनसुला उसके बारे में। अब पेनिनसुला आपका क्या है, लैंड मास कोई भी आपका कवर्ड बाय थ्री वाटर बॉडीज, वो आपका क्या कहलाता है पेनिनसुला, हिंदी में जिसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर आपकी एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर आपकी एक वाटर बॉडी, ठीक है, ये बंगाल आ गया आपका, अरेबियन सी आपका, और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन, ठीक है। मेजर फिजियोग्राफिक प्लेस, अभी पीछे जो आपका मैप था उसमें मैंने आपकी अलग अलग जो डिविजन थी उनके बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें क्या था आपका हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, नॉर्थन प्लेन के बारे में पढ़ा, डेजर्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपके पार्ट दिखाए थे, ठीक है, उसके बाद आपका पेनिनसुला दिखा दिया था जो टू पार्ट में डिवाइड था। तो ये सारी चीजें क्या थी आपकी मेजर फिजियोग्राफिक प्लेस, भारत की अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं, ठीक है। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय जो पर्वत है उसके बारे में पढ़ेंगे, यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालय जो है आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है, मतलब जो आपके और इतने सारे आपके जो माउंटेन्स है उनमें से ये सबसे यंगर वन है, ठीक है। लोफ्टीएस्ट वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स, और जो आपके ज्यादातर जो आपके माउंटेन्स है उसमें से ये ज्यादा आपका रग्ड है, उबड़ खाबड़ है। कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस, अब यहाँ पे हिमालय की बात होगी, आप मैप में देख सकते हैं जो हिमालय आपका माउंटेन्स है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है, तीन आपकी अलग अलग जो माउंटेन्स है रेंजेस है श्रृंखलाएं हैं उनसे मिलकर आपका क्या है अकेला एक हिमालय बना है। यहाँ पर आपकी एक लेयर जाती है नीचे और नेक्स्ट तीन आपकी पैरेलल, ठीक है, जो समानांतर आपकी श्रृंखलाएं चल रही है वो क्या आपकी हिमालय माउंटेन्स को बनाती है। द ग्रेट हिमालय, हिमालयस और हिमाद्री, फर्स्ट वन आपकी कौन सी है जिसको ग्रेट हिमालयस कहा जाता है या आपका हिमाद्री कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ लोफ्टीएस्ट पीक्स विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, ठीक है, जो ग्रेट हिमालय हिमाद्री जिसको बोला गया वो आपके क्या है और सारी इसमें क्या आपकी लोफ्टीएस्ट पीक्स इसमें इंक्लूडेड है जिसकी एवरेज हाइट आपकी कितनी 6000 आपके मीटर्स की। आपकी जो माउंट एवरेस्ट वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है, उसकी हाइट आपके 8848 मीटर्स वो क्या आपकी इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 मीटर्स एंड 4500 मीटर्स एंड विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर्स। Altitude, height from the sea level, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, तो यहाँ पे आपका दिया गया 3700 मीटर्स से लेके आपका 4500 मीटर्स तक, और जो इसकी विड्थ है किसकी हिमाद्री की बात होगी, कितनी विड्थ है इसकी आपके 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट वन रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, वो माउंटेन वो रेंज वो श्रृंखला जो आपके यहाँ से इस साइड साउथ की तरफ नीचे की तरफ पड़ती है वो आपकी किस नाम से जानी जाती है हिमाचल, और इसको क्या कहा जाता है लेसर हिमालय, मतलब मेन आपका मोटे तौर पर आप इसको समझें तो जो पार्ट हिमाचल से होकर गुजरता है उसको लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो लेसर हिमालय की आपकी बात होगी हिमाचल जो आपकी रेंजेस है उसकी बात होगी, पीर पंजाल फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज, ठीक है, जो पीर पंजाल पिछली जो आपकी आपकी हिमाद्री वाली बात की थी उसमें लगाओ मैंने एक स्पेशलिटी बताई कि माउंट एवरेस्ट एक वर्ड है वो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप किसकी बात हो रही है पीर पंजाल, ठीक है, K2 आपका हिमाद्री में आपकी K2 वाली भी जो रेंजेस है वो भी आ जाती है, तो यहाँ पे पीर पंजाल फॉर्म करता है क्या लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज बनाता है, ठीक है, सबसे लंबा और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इंपोर्टेंट है उस रेंज, क्या नाम है आपका भोलाघाट और आपका क्या है महाभारत, ये रेंजेस क्या है पीर पंजाल के पार्ट में। नेक्स्ट फेमस वैली घूमने हम जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों के जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, या फेवरेट आपके डेस्टिनेशन हो सकता है जहाँ पर हम जाना पसंद करते हैं, तो वो आपकी कौन सी कांगड़ा कुल्लू कश्मीर, ठीक है, तो ये किसका पार्ट है आपका हिमाचल रेंजेस,
इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड शिवान, जो थर्ड वन आपकी रेंज, पहले ही बताया था आपका हिमालय इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तो जो सबसे आपके नीचे की जो रेंज है, जो श्रृंखला है, वो कौन सी आपकी शिवान, ठीक है। एवरेज एल्टीट्यूड इज बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स, जो शिवालिक रेंजेस की यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात हो रही है, हाइट फ्रॉम दी सी लेवल कितनी आपके 900 to 1100 मीटर्स। कंपोज्ड ऑफ अनकंसिडरेटेड सेडिमेंट्स, किससे बनी है, अलग अलग जो आपके सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स कौन लेके आते हैं, रिवर्स लेके आते हैं, रिवर्स सेडिमेंट लेके आते हैं, उनको डिपोजिट करते हैं, उससे आपकी शिवालिक जो रेंज है वो बनी है। डिवीजन ऑफ हिमालय डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, ठीक है, जो आपका हिमालय की जो रेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तीन टाइप ऑफ रेंजेस में आपने बात कर ली, ठीक है, डिवाइडेड है, जिसमें आपका हिमाचल आ गया, आपका हिमाचल आ गया और आपके शिवालिक की रेंजेस आ गई। इसके अलावा भी, ठीक है, जो हिमालय है उसको अलग अलग नाम से डिवाइड किया गया, किससे, आपका रिवर वैली के नाम से उसको डिवाइड किया गया, जिसमें देखो आपका फर्स्ट है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय आपका कहाँ पर है, इसमें दिया गया है बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, जो आपकी सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो पार्ट है, इंडस रिवर और सतलुज जो रिवर है उसके बीच का जो पार्ट है वो आपका किस में आता है, पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय के बीच आपका जो पार्ट है उसको कौन से, उसमें बिटवीन सतलुज एंड काली, जो सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसको क्या है, कुमाऊं हिमालय का नाम दिया गया। नेक्स्ट है आपका देखो नेपाल हिमालय, बिटवीन काली एंड तिस्ता, जो नेपाल हिमालय है, ठीक है, उसको किसके दो रिवर आपकी यहाँ पे दी गई है, काली और तिस्ता रिवर के बीच में आते हैं। नेक्स्ट है असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय कंसिस्ट कौन से आपके दो रिवर के बीच का है, तिस्ता एंड तिहांग। नेक्स्ट वन द हिमालय अलोंग पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, आपका यहाँ पे पूर्वांचल जो पूर्व की तरफ का जो हिस्सा आपका बनता है, ठीक है, वो किससे बना है, सैंडस्टोन से, और कौन से सैंडस्टोन है आपके स्ट्रॉन्ग वाले, ठीक है, ईस्टर्न हिल्स का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से मिलकर बना है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर है आपके घने जंगल पाए जाते हैं। कंप्राइज पटकई नाग, कौन कौन से पार्ट आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कौन से आपके पटकई नाग, मणिपुर एंड मिजो हिल्स, ये यहाँ आपके यहाँ पूर्वांचल जो हिस्सा है उसका पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके, नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स आपके पीछे आपकी जो स्लाइड थी, मैप था जो उसमें दिखाया था, अपर पार्ट आपका हिमालय है, लोअर पार्ट ट्राइंगल जो है आपका वो पेनिनसुला है, और जो इनके मिडल का पार्ट है वो क्या आपका नॉर्थन प्लेन्स है। फॉर्म्ड विद थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नॉर्थन प्लेन क्या तीन जो आपकी मेन रिवर है उनसे मिलकर बना हुआ, तीन रिवर सिस्टम इसमें आपके आते हैं, इंक्लूडेड है। डिपोजिशन ऑफ एल्वियम इन वोस्ट बेसिन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म दिस प्लेन्स, जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लेके आते हैं वो काफी सालों तक डिपोजिट करने के बाद, ठीक है, क्या बना आपका नॉर्थन प्लेन्स। प्लेन्स इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग, नॉर्थन प्लेन की बात हो रही है, ये इसकी लेंथ कितनी दी गई आपकी 2400 किलोमीटर एंड विड्थ की बात हो रही है आपकी 240 to 320 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी क्या थी विड्थ, किसकी विड्थ, नॉर्थन प्लेन्स की बात हो रही है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न प्लेन्स पंजाब प्लेन्स, जो आपकी नॉर्थन प्लेन्स है इसका वेस्टर्न जो पार्ट है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया था, पंजाब प्लेन्स। फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो पंजाब प्लेन्स है ये किससे आपका यहाँ पर दिया गया, इंडस रिवर, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज कौन सी, वो रिवर्स जो किससे मर्ज हो जाती है आपकी इंडस, ठीक है, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर क्या बनाती है, पंजाब प्लेन जो है उसको क्रिएट करती है, जिसमें आपकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स, ये जो सेक्शन आपका पंजाब प्लेन की बात हो रही है यहाँ पर डोमिनेट किया दोआब, दोआब क्या आपका एरिया जो दोआब की रिवर्स के बीच में आता है उसको क्या आपका दोआब कहा जाता है, ठीक है, तो रिवर्स आपने देखे यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपकी 5 रिवर है तो उसके बीच में आती है, रिवर्स इतनी है उस एरिया में तो बीच में दो रिवर के बीच का एरिया ये दोआब जो वर्ड है, दोआब जो रीजन है वहां पर आपके जाता है। गंगा प्लेन्स,
अभी क्या आप पंजाब प्लेन्स की बात कर रहे थे जिसमें आपकी कौन सी मेन रिवर थी, आपके इंडस। गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एट दिस पॉइंट, जो गंगा प्लेन्स का आपका ये है वो कौन सी, घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच का एरिया। स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये जो एरिया यहाँ पर बताया गया कौन सी, आपकी गंगा प्लेन की बात होगी, और गंगा प्लेन आपका कहा इन जो एरिया का नाम मैंने नाम रीड आउट किया यहाँ पर क्या है फैला हुआ है, ये एरिया कंसिस्ट इकट्ठा होकर क्या बनाता है आपका गंगा प्लेन का। टू द ईस्ट इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यहाँ पर आपकी क्या दी गई है जो ईस्ट में, ठीक है, असम का जो एरिया पड़ता है वहां पर आपकी कौन सी रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो भी क्या बनाती है आपके नॉर्थन प्लेन्स का एक पार्ट क्रिएट करती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेलिफ फीचर्स, ये जो बनावट के आधार पर जो आपके अलग अलग फीचर्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थन प्लेन्स आपके अभी रिवर के हिसाब से आपने देखा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसका नॉर्थन प्लेन्स का, यहाँ पे आपकी रेलिफ फीचर्स बनावट के हिसाब से आपका नॉर्थन प्लेन्स की डिविजन देखो भापर फर्स्ट आपकी क्या है ये इसकी डिविजन है क्लासिफिकेशन। डिपोजिशन ऑफ पेपल्स बाय रिवर्स एट स्लोप्स ऑफ शिवा, आपकी थर्ड जो रेंज थी, ठीक है, किसकी हिमालय की, कौन सी थी शिवालिक, ठीक है, तो जो शिवालिक के आपके स्लोप्स थे वहां पर रिवर्स जो पेपल्स, ठीक है, डिपोजिट करते हैं, ठीक है, वो इकट्ठा क्या डिपोजिट, वो डिपोजिशन किस को क्रिएट करता है आपकी भावर, ठीक है। नेक्स्ट आपका तराई, रिवर्स रीइमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पिंग एंड मार्शिंग रीजन, जो तराई है आपका रिवर जो यहाँ पे आपका एक गलगली टाइप का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका वेट, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला जो आपका एक मान के चल सकते हो, ठीक है, वो रीजन एरिया यहाँ पर क्या आपका क्रिएट होता है और जिसको क्या आपका तराई बोला जाता है भांगर, ठीक है। ओल्डर एल्यूवियम लाइक अबाउ फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स, द सोयल कंटेन्स डिपोजिट ऑफ कंकर, जैसे आपका पहले ही बताया, ठीक है, कि जो आपका नॉर्थन प्लेन है ये रिवर्स अपने साथ एल्यूवियल जो पार्टिकल्स हैं वो डिपोजिट करती तब बना है, ठीक है, जैसे अभी किसके बारे में हमने भापर के बारे में पढ़ा, तो जो आपका ओल्डर एल्यूवियम है, ठीक है, नदी आती है अपने साथ पानी लेके आती है और उसमें क्या आपके सेडिमेंट्स होते हैं जो डिपोजिट कर दिए जाते हैं और जो पुराने हो जाते हैं ओल्डर आपके होते हैं तो वो कौन से आपके बांगर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। द सोयल कंटेन्स डिपोजिट ऑफ कंकर और इसमें क्या होते हैं कंकर के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यहाँ के जो एल्यूवियम है यहाँ के जो सेडिमेंट्स है उसमें क्या होते हैं आपका कंकर के पार्टिकल। नेक्स्ट है आपका खादर, न्यूअर, बांगर आपका कौन सा है यहाँ पे ओल्डर और खादर आपका कौन सा है न्यूअर, ठीक है, डिपोजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन वही सेम आपका फ्लड प्लेन से रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है उनसे बना है, ये ओल्डर वन है, ये आपका यंगर वन है न्यूअर वन। रिन्यूड ईच ईयर फर्टाइल आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यहाँ पे आपका ईयर का वाई थोड़ा सा रह गया है टाइप करना तो ये आपका कान वाला नहीं आपका ईयर वाला जो साल वाला है वही है तो ये इस बारे में थोड़े से आप प्लीज इसको करेक्ट कर दें। यहाँ पे आपका क्या खादर न्यूअर यंगर डिपोजिट्स है, ठीक है, किसके फ्लड प्लेन्स के और ये रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है, रिचार्ज होते रहते हैं, जैसे ये ओल्डर फन था तो पुराना है वहां पर एक बार आपके क्या कर दिए पानी सेडिमेंट्स डिपोजिट कर दिए गए और अब वहां पर कुछ चीजें डिपोजिट नहीं होती है लेकिन खादर में पानी क्या लगातार आपका क्या है पर ईयर, ठीक है, ईयर बाय ईयर वो चीजें क्या वहां पर डिपोजिट होती रहती है और वो रिचार्ज होता रहता है न्यूमर होता रहता है पर किसके लिए आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये जो आपका एरिया किसकी बात हो रही है खादर की, ये आपका क्या होता है मोर फर्टाइल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जा सकती है, क्यों, क्योंकि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज आता है तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है।